नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में विकलांगता क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था, विकलांगता के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं ये पढ़ा था, इसके अलावा विकलांगता के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। तो आपको पता चल ही गया कि विकलांगता क्या होती है। विकलांगता का मतलब है जिस बालक को औसत बालक से अधिक सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, जिनको विशेष सुविधाएं दी जाती है, वो बच्चे विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। अब मैंने उसके बाद में बात करी थी कि विकलांगता के कारण क्या है। देखो, विकलांगता की अगर हम बात करें तो विकलांगता के दो कारण मैंने आपको बताए थे, एक वंशानुक्रम और एक वातावरण। वंशानुक्रम या आंतरिक कारण भी इनको मान सकते हैं। तो क्या है आंतरिक कारण, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि लालन पालन के बच्चे में अगर कमी है, दाइयों के द्वारा अगर उस बच्चे को निकाला गया है या बच्चा पैदा किया गया है, तो उसमें विकलांगता के लक्षण आ सकते हैं। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि कई बच्चे जो है उसको संतुलित भोजन नहीं मिल पाता, उसके कारण भी बच्चा विकलांग हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वातावरण की बात करें तो वातावरण को मैंने आपके सामने दो भागों में बांटा था, पहला परिवार और दूसरा विद्यालय। परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप जानते हो माता पिता के स्नेह में कमी। अगर माता पिता अपने बच्चे को कम प्यार करते हैं तो बच्चा जो आत्मविमोह है, अपने अंदर की दुनिया में व्यस्त हो जाता है। संप्रेषण कौशल, सामाजिक कौशल, इन सब का विकास बच्चे में नहीं हो पाता है, तो वो बच्चा विकलांगता की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चे का लालन पालन अच्छे से नहीं हुआ है तो वो भी विकलांगता का कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, विद्यालय की, विद्यालय का बालक पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यह आपने सुना ही है कि अगर शिक्षकों का उस बच्चे के प्रति लगाव नहीं है तो वो विकलांगता का कारण बन सकता है। वो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो बच्चा अपनी बात को नहीं बता पाएगा और धीरे 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 उसका जो अधिगम कौशल है वो धीरे धीरे डावाडोल हो जाएगा, तो वो एक तरह की क्या है, विकलांगता है। अगर विद्यालय का वातावरण उचित नहीं है तो भी वो विकलांगता की श्रेणी में ही आता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि विकलांगता के कई कारण विद्यालय में हो सकते हैं। अगर वहां पर सुविधाएं नहीं है, वहां पर विशेष सुविधाओं का अभाव है, तो भी बालक पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है कि ये जो विकलांग बच्चे हैं, ये जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। शारीरिक रूप से विकलांग बालक, अगर किसी का अंग कटा हुआ है, किसी की उंगली कटी हुई है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी के आंख में प्रॉब्लम है, किसी के कान में प्रॉब्लम है, किसी के सिर में प्रॉब्लम है, तो ये सब क्या है, ये सब विशेष विकलांगता वाले बालकों में आते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को मैंने दो भाग आप लोगों को बताए थे, पूर्णतः विकृत और आंशिक विकृत। जिस बच्चे का एक अंग नहीं है वो आंशिक विकृत है, जबकि जो अपने शरीर के संतुलन को ही नहीं बिठा पा रहा है, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो पूर्ण रूप से विकृत की श्रेणी में आता है। तो विकलांगता का पहला प्रकार क्या है, शारीरिक रूप से विकलांग। दूसरा मैंने आपको बताया था मानसिक रूप से विकलांग। मानसिक रूप से विकलांग बालक कौन होंगे, आप अगर विशेष बालकों की बात करें तो विशेष बालकों में आपको बताया प्रतिभाशाली भी आते हैं, आते नहीं आते, प्रतिभाशाली भी आते हैं, मंद बुद्धि भी आते हैं, सृजनशील बालक भी आते हैं। तो ये जो मंद बुद्धि बालक है वो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अंतर्गत आते हैं, CWSN छात्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि दृष्टि संबंधी दोष भी होता है। ये इसके मैंने आपको पांच प्रकार बताए थे, हल्का, मॉडरेट, गहरा, कठोर और पूर्णतः। ये पांच प्रकार बताए थे, उसमें डेसिबल बताया था 30
डेसिबल से कम, 50 डेसिबल से कम, 80 डेसिबल से कम और 100 डेसिबल, ये चार और एक जो है जिसमें केवल हल्की सी सनसनाहट होती है वो कौन से होते हैं, वो श्रवण बाधित के अंतर्गत मैंने आपको बताए थे। दृष्टि बाधित में भी मैंने आपको बताया था कि 2.2 होता है जो सबसे, मतलब जिसको पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित होते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं दिखता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा पास की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती, कईयों को दूर की वस्तु दिखती है, कईयों को पास की वस्तु नहीं दिखती है। तो विकलांगता कई प्रकार की हो सकती है, शारीरिक रूप से बाधित, दृष्टि बाधित, स्वर्ण बाधित, शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग। इस तरीके से मैंने विकलांगता के प्रकारों को आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अब विकलांगता के प्रकार हमने देख लिए कि विकलांग कौन कौन व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि विकलांगता में कौन कौन बच्चे आते हैं। तो देखो, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान कैसे करेंगे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हर व्यक्ति की एक व्यक्ति भिन्नता होती है, हर व्यक्ति में व्यक्ति भिन्नता होती है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके आधार पर हम देख सकते हैं कि वो बालक क्या है, वो बालक विशिष्ट आवश्यकता वाला है। तो देखो, बौद्धिक क्रियाकलाप का निम्न स्तर, अगर बच्चे बुद्धि वाले क्रियाकलाप कम करता है, बौद्धिक दृष्टिकोण मानसिक बुद्धि का यूज नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा CWSN श्रेणी में आता है। देखो, अवधान शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बच्चों, अवधान का मतलब क्या है, अपने आसपास की चीजों को ध्यान नहीं देकर केवल एक ही बिंदु पर अपना लक्ष्य निर्धारित करना, उसी बिंदु को देखना क्या कहलाता है बच्चों, अवधान कहलाता है, ध्यान कहलाता है। ठीक है, तो बच्चा अगर आपकी कक्षा में ध्यान नहीं दे पा रहा है, बच्चे का ध्यान बार बार में भटक रहा है और वो जो आप पढ़ा रहे हो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब है कि वो बच्चा CWSN श्रेणी में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है विकास। देखो बच्चों, विकास क्या है, विकास का मतलब है मानसिक व शारीरिक रूप में उत्तरोत्तर जो वृद्धि हो रही है, उसकी जो प्रक्रिया है वो ही विकास कहलाता है। ये आपने पढ़ भी लिया है, विकास मात्रात्मक भी होता है, विकास गुणात्मक भी होता है। विकास क्या है, विकास जो है वो जन्म से लेकर या गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है। गर्भावस्था या विकास को हम कई भागों में बांट सकते हैं। आप देखा होगा शेषावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, कई भागों में हमने बांटा और उसके आधार पर हमने देखा कि शेषावस्था में बालक में क्या क्या विकास होता है, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे में क्या क्या विकास होता है, बाल्यावस्था में बच्चे में क्या क्या विकास होता है और उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे में क्या क्या विकास होता है। आप जानते हैं शेषावस्था में जो पूर्व शेषावस्था है उसमें बच्चा में केवल भय, मतलब यह है कि केवल अपनी माँ को पहचानता है। धीरे धीरे बच्चा मुट्ठी को खोलना प्रारंभ करता है, किसी चीज को होल्ड करने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे बच्चा उठने की कोशिश करता है, उठता है गिरता है, फिर बच्चा अपने आप खेलने लगता है। धीरे धीरे बच्चा जब बाल्यावस्था में आता है तो बच्चे में सबसे ज्यादा सामाजिक विकास होता है। लेकिन बाल्यावस्था का जो काल है वो कैसा काल है, उसमें मानसिक बुद्धि बिल्कुल क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, जबकि सबसे ज्यादा जो मानसिक विकास होता है बच्चे का वो शेषावस्था में होता है। इसीलिए बोलते हैं कि शेषावस्था में बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर उसको अच्छा भोजन करवाया जाता है, अच्छा बच्चे को वातावरण दिया जाता है, स्कूल में बच्चे को अच्छा एनवायरमेंट मिलता है, तो उस बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छा होता है। बच्चों, तो अवधान और विकास की दर में अगर कमी है कि बाल्यावस्था में आने के बाद में भी बच्चा एक सेकंड क्लास में बच्चा है या थर्ड क्लास का बच्चा है, अगर वो उस टाइप की एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है उसमें कुछ ना कुछ क्या है बच्चों, कमियां हैं।
आगे देखो, अति उत्तेजित व्यवहार। अब जब बच्चे का ध्यान नहीं होगा, उसकी मानसिक बुद्धि पढ़ने में लग ही नहीं रही है, तो आपके हर उत्तर का के प्रति उसका व्यवहार कैसा होगा बच्चों? अति उत्तेजित व्यवहार होगा। उसके बाद देखिए विकास के लक्षण में देरी, वो मैंने अभी आपको बताया ही है कि जब बच्चा किशोरावस्था में आता है और जब एक छोटे बच्चे की तरह हरकतें करने लग जाता है, उसका जो मानसिक विकास होता है वो केवल बाल्यकाल तक सीमित रह जाता है, तो इसका मतलब उसमें विकास के लक्षण देरी से आए हैं, तो इसका मतलब है कि वो CWSN छात्रों की श्रेणी में आता है। उसका बाद है भाषा व ध्वनि का विकास कम। मतलब ये है कि ये जो औसत बालक होते हैं उनमें भाषा व ध्वनि वो अच्छे तरीके से वार्तालाप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जिनके बौद्धिक क्रियाकलाप का स्तर नीचा है, जो ध्यान नहीं दे पाते, उनमें भाषा व ध्वनि का विकास भी कम होता है। जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, वो एक ही वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं बच्चों। तो बौद्धिक क्रियाकलापों का निम्न स्तर पाया जाता है, तो इन स्तरों को या इन क्रियाओं को देख करके हम बता सकते हैं कि उस बच्चे के बौद्धिक क्रियाकलाप कैसे हैं, निम्न स्तर के हैं, और अगर निम्न स्तर के हैं तो वो बच्चा CWSN श्रेणी में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों दृष्टि बाधिता। अब आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चे में दृष्टि संबंधी दोष हो सकता है? तो देखो बच्चों, अगर किसी बच्चे की आंख में सूजन है, अगर किसी बच्चे की आंख बहुत छोटी है, अगर किसी बच्चे की आंख बहुत क्या है, बड़ी है, अगर बच्चा जब आप श्यामपट पर लिख रहे होते हो और बच्चा अपने सहपाठी वाले कॉपी में से देख करके लिख रहा है, तो इसका मतलब है उसमें दृष्टिबाधिता का दोष हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अगर आप मानते हैं कि बच्चा जो है वो क्या करता है, बच्चा जब आप लिखते हो तो आंखों को बिल्कुल छोटा करके देख रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे में क्या है, दृष्टिबाधिता का दोष है। अगर कक्षा में बच्चा बोलता है कि आंख में दर्द हो रहा है, बार बार शिकायत करता है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा CWSN श्रेणी के बच्चों में आता है, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों मंद अध्ययता। मंद अध्ययता का मतलब है रोजमर्रा के कार्यों में उसको क्या आती है, कठिनाई आती है। क्या आती है बच्चों? एक ही गतिविधि को बार बार दोहराता है, क्या करता है, एक ही गतिविधि को अगर बच्चा बार बार दोहरा रहा है, रोजमर्रा के कार्यों में उसे क्या आ रही है, कठिनाई आ रही है, और एक ही काम को बार बार करने लग जाता है, और आवृत्ति व अभ्यास की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? देखो, आवृत्ति और अभ्यास की आवश्यकता तो हर बच्चे को है, चाहे प्रतिभाशाली हो चाहे सृजनशील हो, बस फर्क इतना है कि प्रतिभाशाली बच्चे को आवृत्ति और अभ्यास कम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि लब्धि, उसकी IQ लेवल क्या है बच्चों, अच्छा है, लेकिन एक जो मंद बुद्धि बालक है उसमें आवृत्ति और अभ्यास अगर वो ज्यादा कर रहा है, बार बार उस चीज को रट रहा है, लेकिन फिर भी अगर उस बच्चे को लर्न नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा कैसा है बच्चों, CWSN बच्चों की श्रेणी में आता है। उसके बाद मंद अध्ययता हो गया, उसके बाद आता है आत्मविमोह। आत्मविमोह का मतलब है बच्चों अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहना। और जो बच्चा अपनी ही दुनिया में मस्त रहेगा, समाज में नहीं जाएगा, सामाजिक समारोह में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उसमें सामाजिक कौशल का विकास नहीं होगा, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास नहीं होगा, बच्चे में सामंजस्य की भावना नहीं आएगी, समायोजन नहीं सीख पाएगा बच्चा, वो समायोजित हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते हैं और संप्रेषण कौशल का जिनमें विकास नहीं हो पाता है,
जिस बच्चे में सामाजिक कौशल का विकास नहीं हो पाता, समाज विरोधी जो बच्चा बातें कर रहा है, तो इसका मतलब है वो विशेष आवश्यकता बाल अपराधी। बाल अपराधी और जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो आत्मविमोही बालक ही तो होते हैं, तभी तो वो समाज के नियम और कायदों के विरुद्ध जाकर के कार्य करते हैं। कई बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, स्कूल से प्लान कर जाते हैं, तो वो कौन से बालक है? वो समस्यात्मक बालक है। तो वो उनमें कौन सी भावना पाई जाती है? आत्मविमोह की भावना पाई जाती है। उसके बाद आता है बच्चों स्वर्ण बाधित। स्वर्ण बाधित का मतलब बच्चों यहां पर क्या है, देखो सुनो। अगर कोई बच्चा बोलता है आपको कि कान में दर्द हो रहा है, एक कान या दोनों कानों में दर्द होना, कान का बहना, कान लगाकर अगर बच्चा सुन रहा है और आप अगर श्रुति लेख करवा रहे हैं, बच्चे को बार बार वर्णों को उच्चारित करवा रहे हैं और किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे का ध्यान एकाग्रचित नहीं है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, बच्चा उस चीज को अधिगम नहीं कर पा रहा है, बच्चा उस बात को नहीं सुन पा रहा है बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं और क्या हो सकता है। आपने देखा होगा जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हो तो बच्चा सहपाठी की कॉपी में से देख कर लिख रहा है, इसका मतलब है उसमें स्वर्ण बाधित समस्या हो सकती है, सुनने की कैपेसिटी कम हो सकती है। तो ये दोष तभी पता चल सकता है जब हमें इन इन तरीकों को क्या हो, पता हो। ठीक है, स्वर्ण बाधित समझ में आ गया। उसके बाद देखिए बच्चों भाषाई अक्षमता। भाषा से संबंधित कौन कौन सी अक्षमता किसी बच्चे में पाई जा सकती है? आप जानते हो कई बच्चे थर्ड या फोर्थ में आने के बाद में भी अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब है उसमें भाषाई अक्षमता विद्यमान है। ये नोट्स आप साथ साथ में लिखते जाए कॉपी में। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको आप नोट डाउन करते जाइए, अपनी एक कॉपी बना लीजिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपके केवल बीएड सेकंड ईयर में ही काम नहीं आएगी, आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम, चाहे आप रीट ले लो, चाहे आप सीटेट ले लो, चाहे आप एमएड ले लो, सभी में ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे। इसलिए आप अपनी एक कॉपी बना लीजिए और जो मैं शॉर्ट नोट्स बोर्ड पे लिख रही हूं उनको आप लिखते जाइए। ठीक है बच्चों, उसके बाद में मैंने आपको बताया भाषाई अक्षमता। भाषाई अक्षमता का मतलब है कि अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, अगर बच्चा वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कर रहा है, वर्तनी में उसमें कमियां आ रही है, वर्तनी का मतलब समझते हो ना, वर्तनी हिंदी में लिखने में वो अशुद्धियां कर रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है। समान वर्ण कौन कौन से बच्चों? स, श और से, ये क्या है बच्चों? समान वर्ण। इनको बोलने में अगर बच्चा कठिनाई पैदा हो रही है उसमें, तो इसका मतलब है कि वो विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा है, और अगर उसको विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाए तो वो बालक सामान्य बालकों की श्रेणी में आ सकता है। बच्चों भाषा व ध्वनि का विकास क्या होता है? कम होता है। वो ध्वनि को नहीं समझ पाते हैं, भाषा के वर्णों को नहीं समझ पाते हैं, तो अगर उनको बार बार भी उन वर्णों को उच्चारित करवाया जाए तो ये जो कमी है वो क्या हो सकती है बच्चों? दूर हो सकती है। श्याम पट को पर लिखे हुए को गलत लिखना, आपको पता है आपने श्याम पट या ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख दिया, लेकिन उस लिखे हुए को जब बच्चा उतार रहा है तो भी वो गलतियां कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वह शुद्ध और अशुद्ध दोनों चीजों को समझ ही नहीं पा रहा है, उसका अधिगम ही नहीं कर पा रहा है बच्चों। उसके बाद आता है कुछ शब्दों को हमेशा ही क्या लिखता है? वो गलत लिखता है। कुछ शब्दों को वो बच्चा हमेशा से ही क्या लिखता है? गलत लिखता है। तो इसका मतलब है उस बच्चे में भाषाई अक्षमता मौजूद है। तो इन बच्चों की हमें पहचान करनी है कि क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उन बच्चों में से भाषाई अक्षमता किसमें है, बौद्धिक क्रियाकलापों का स्तर कम किसका है, दृष्टिबाधित दोष किस बच्चे में है, मंद अध्येता किसमें है, आत्मविमोह की समस्या किस बच्चे में है,
और स्वर्ण बाधित समस्या किस बच्चे में है ये हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद आती है बच्चों, आप लोगों को पता है कई बच्चे संगीत, म्यूजिक, चित्रकला, गृह कार्य, होम साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इन सब भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी मैथ्स बहुत वीक होती है। होती है नहीं होती? कई बच्चे बोलते हैं आप किसी भी सब्जेक्ट को करवा लो लेकिन हमसे मैथ्स नहीं होगी। क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिनको अगर समय रहते पता कर लिया होता तो वो बच्चा भी गणित में अच्छा हो सकता था। क्या? संख्याओं को अगर बच्चा गलत लिख रहा है इसका मतलब है कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता तो वो बच्चा इस गणित की संख्याओं को गलत नहीं लिखता। गणितीय संक्रियाओं में, गणितीय संक्रियाएं प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, इनमें क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। रेखा गणित और बीज गणित में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है तो गणितीय जो अवधारणाएं हैं, नियम है, उनको वो याद नहीं कर पाता। और जब तक गणित में संक्रियाएं, नियम और अवधारणाएं ये सब याद नहीं होगी तब तक बच्चा गणित को नहीं कर सकता, उसके प्रॉब्लम फेस हो सकती है। समय व दिशा, आपको पता है हम जब किसी जगह जाते हैं और दोबारा अगर उसी जगह जाते हैं तो हम रास्ता या लोकेशन को क्या कर लेता है, हमारा माइंड ट्रैक कर लेता है, हम समझ जाते हैं कि हम पहले कभी इस जगह आए थे। लेकिन अगर गणितीय संक्रियाओं में जिस बच्चे में गणित अक्षमता विद्यमान है वो बच्चा समय और दिशा दोनों में ही क्या होता है बेटा, कंफ्यूज्ड रहता है, उसे उसमें हमेशा क्या रहती है, दुविधा रहती है। तो ये सब चीजें अगर बच्चे में है तो इसका मतलब है उसमें कौन सी अक्षमता है बच्चों, गणितीय अक्षमता विद्यमान है। ठीक है, उसके बाद देखिए लेखनीय अक्षमता, लेखन में कठिनाई, वर्णों को पहचानने में तारतम्यता का अगर बच्चे में अभाव है, प्रिंट और वक्रीय प्रिंट जो है जो लिखे जाते हैं उनको वो क्या कर देता है, मिला देता है। क्यों? भाषा का ज्ञान नहीं है, ध्वनि का ज्ञान नहीं है, लिखने की कला नहीं आती, लिखा नहीं जाता तो बच्चा क्या, आपको पता है कई बच्चे एस को यूं लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें लिखने की अक्षमता है, वो लिख नहीं पाते बच्चे। उसके बाद देखिए पेंसिल को कई बच्चे अजीब तरीके से पकड़ लें, क्योंकि उनको पेंसिल पकड़ना नहीं आता तो इसका मतलब है उनको लिखना नहीं आता। जब आपको पता है जब बच्चा नर्सरी में आता है तो उसको पेंसिल पकड़ना स्कूल में सिखाया जाता है, जो प्री प्राइमरी स्कूल्स होती है उनमें ये चीजें सिखाई जाती हैं। तो बच्चा अगर बार बार पेंसिल पकड़ने के बाद में भी पेंसिल को नहीं पकड़ पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो सकता है। उसके बाद आता है बेटा गंदी लिखावट, अगर बच्चे की लिखावट अच्छी नहीं है, वो मुश्किल से लिख पा रहा है, इसका मतलब है उसके लिखने में क्या है, कठिनाई है। और जब बच्चा लिखते समय जोर जोर से उन शब्दों को बोलता है तो इसका मतलब है कि उसमें लेखनीय क्षमता विद्यमान है, वो बच्चा लिख नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब है ये सब बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा आज? आज पढ़ा कि जिस बच्चे में बौद्धिक क्रियाकलाप का स्तर निम्न है, जिस बच्चे में दृष्टि बाधिता का दोष विद्यमान है, जिस बच्चे में मंद अध्ययता का दोष विद्यमान है, जिसमें आत्मविमोह अपनी ही दुनिया में रहने की समस्या है, अगर उसमें सुनने की अक्षमता नहीं है, उसमें कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे हम पता कर सकते हैं कि उसमें स्वर्ण बाधित समस्या विद्यमान है, इसके अलावा भाषाई अक्षमता, गणितीय अक्षमता और लेखनीय अक्षमता, ये सब चीजें अगर बच्चे में अवेलेबल है तो इसका मतलब है बच्चों कि बच्चा विशेष आवश्यकता वाले बालकों में आता है। अब आपने ये तो पढ़ा कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की पहचान, हमने उसके क्रियाकलापों को देखा, इस पहचान में हमने किसको देखा बच्चों, क्रियाकलापों को देखा, लेकिन कई ऐसी जानकारियां जुटा करके
बच्चे की पिछली केस प्रोफाइल को देख करके भी हम CWSN बच्चों की पहचान कर सकते हैं, और इसके लिए अलग अलग तरीके हैं, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। अब बात ये है कि ये जो केस प्रोफाइल हम बनाएंगे बच्चे की कि देखेंगे उनसे जो जानकारियां माता पिता से जुटानी है या शैक्षिक वातावरण से जुटानी है, शिक्षकों से जुटानी है, उनके सहपाठियों से जुटानी है, तो वो किन किन आधारों पर हम एक विशिष्ट बालक की पहचान कर सकते हैं। बेटो ध्यान रखना, चार ऐसे हथियार हैं, चार ये तो क्या है बच्चों, क्रिया कलाप है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो है हथियार। किन हथियारों से हम CWSN बच्चों की पहचान कर सकते हैं? देखो बच्चों, निरीक्षण, हम बच्चे को क्लास में देखते हैं, हर बच्चे को देखते हैं, लेकिन हर बच्चे को व्यक्तिगत भिन्नता होती है। उस बच्चे की भिन्नता को हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि वो बच्चा CWSN बच्चों की श्रेणी में आता है। ठीक है, चिकित्सकीय परीक्षण, चिकित्सकीय परीक्षण का मतलब है कि किसी बच्चे मानसिक रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से विकलांग है, जिसमें दृष्टि बाधित समस्या है या स्वर्ण बाधित समस्या है, उससे चिकित्सकीय परामर्श लेना आवश्यक है। कई बच्चे के चश्मे लगाकर उसका दृष्टि बाधित दोष को सही किया जा सकता है, कान में मशीन लगा करके उसकी स्वर्ण बाधित समस्या का निराकरण किया जा सकता है, सर अगर किसी का हाथ कटा हुआ है तो उसमें कुछ ऐसा उपाय करके उसका समाधान किया जा सकता है, तो चिकित्सकीय परीक्षण के द्वारा हम इसका समाधान कर सकते हैं। मानसिक परीक्षण के द्वारा, और आपको पता है चौथा हथियार है शैक्षिक परिणाम के द्वारा। इन सब चार तरीकों के आधार पर, इन हथियारों के आधार पर भी हम CWSN छात्रों की क्या कर सकते हैं बच्चों, पहचान कर सकते हैं। पहला निरीक्षण द्वारा, दूसरा चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा, तीसरा मानसिक परीक्षण द्वारा। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं उस पर लिख देती हूं। एक तो क्या बोला मैंने, निरीक्षण, यहां लिख देती हूं, ऊपर लिख देती हूं आप लोगों को। देखो चार तरीकों से कर सकते हैं हम, पहला निरीक्षण, दूसरा चिकित्सकीय परीक्षण, तीसरा मानसिक परीक्षण, और चौथा शैक्षिक परिणाम। इन सब की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा और किन किन केस प्रोफाइल कैसे बनाई जाएगी बच्चे की, इस केस प्रोफाइल को समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है बच्चे की केस प्रोफाइल में इन इन चीजों को देख करके पता कर सकते हैं कि बच्चा विशिष्ट आवश्यकता वाला है या उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को हम किस तरीके से निरीक्षण कर सकते हैं, उसका चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हैं, किस तरह बच्चे की मानसिक बुद्धि का आकलन करने के लिए शैक्षिक परिणामों पर जा सकते हैं, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप साथ में इन नोट्स को उतारते जाइए, अपनी कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि बच्चों बीएड सेकंड ईयर के लिए ही ये इतने जरूरी हैं, उतने ही रीट, आपका सीटेट, एमएड के जो एग्जाम्स आप आगे फाइट करने वाले हैं उनमें ये सब चीजें आएगी। और अगर आप शिक्षाविद है और शिक्षा मनोविज्ञान से आगे तक जुड़े रहेंगे तो ये सब चीजें आपके बेसिक हैं, तो इनको याद कर पाओगे। तो आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, तो आप मेरे नवभारती चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।